हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री। जैसे कि आपको ये नंबर्स दे दिए जाए और कहा जाए कि इस नंबर्स के थ्रू आप एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कीजिए। तो कैसे क्रिएट करते हैं, बस आपको नियम याद रखना है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बाइनरी सर्च ट्री का नियम ये है कि रूट के राइट सब ट्री में उससे रूट से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे, यानी कि रूट का जो वैल्यू है उससे बड़ा वैल्यू होना चाहिए राइट सब ट्री में, और रूट से कम वैल्यू होना चाहिए लेफ्ट सब ट्री में। तो ये रूल आपको याद रखना है। सबसे पहला जो वैल्यू है हमारा 6 है, तो हम लोग 6 लिखते हैं। अब 6 के बाद हमें विजिट करना है 5 को, ठीक है, 5 वैल्यू को। तो 5 क्या है, 6 से कम है, तो ये लेफ्ट में आएगा। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है, वैल्यू है 9। 9 6 से हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ प्रोग्राम में, जब हम लोग इसका प्रोग्राम देखेंगे तो हम लोग सिंपली कंपेयर कर रहे हैं रूट से हर एक वैल्यू को। तो रूट से कंपेयर करते हैं थर्ड वैल्यू को, यानी कि 9 को। ये नंबर्स एक एरे में स्टोर हो सकते हैं, तो एरे हम लोगों ने स्टोर किया, और हम लोग इस नोड को या फिर इस एरे को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हर एक एरे से। तो कंपेयर करते हैं ये, क्योंकि ये हमारा रूट नोड बन चुका है, इसको हम लोग सभी से कंपेयर करते हैं। 6 तो कंपेयर किया था 9 से, 9 बड़ा है, बड़ा है यानी कि हम लोग जानते हैं बाइनरी सर्च ट्री में कि जो रूट नोड से बड़ा वैल्यू होता है उसे हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, यानी कि राइट सब ट्री में लिखते हैं। तो 6 के राइट में आएगा 9। अब 9 के बाद वैल्यू है 10, तो 10 कहाँ आएगा, 10 आएगा 9 के राइट में। आगे के डिजिट है 11, तो 11 कहाँ आएगा, 10 के राइट में। वाई, बिकॉज 10 भी एक रूट है। अगर 10 को देखा जाए तो 10 भी एक रूट है, और हम लोग जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में रूट से ज़्यादा वैल्यू वाले को हम लोग रूट के राइट सब ट्री में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग 11 लिखते हैं। 13 है तो ये भी 11 के राइट में आएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारा है 4। 4 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं 6 से, तो हमें 6 से कम वैल्यू मिलता है, यानी कि 4 इज लेस देन 6, सो ये लेफ्ट सब ट्री में जाएगा। जब लेफ्ट सब ट्री में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ 5 पहले से इंसर्ट किया हुआ है, तो 5 को फिर हम लोग 4 से कंपेयर करते हैं, तो कम है, कम है, यानी कि ये भी क्या होगा, 5 के लेफ्ट में आएगा। वाई, बिकॉज देखा जाए तो ये भी एक ट्री बनेगा अपने आप में, ये एक ट्री है। तो 5 एक रूट है, रूट के लेफ्ट में आता है इससे कम वैल्यू वाला। तो 4 कम है 5 से, तो ये लेफ्ट में आएगा ना कि राइट में। राइट में आता जब 5 से ज़्यादा वैल्यू का कुछ होता तो। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हमारा है 3, तो 3 को विजिट करते हैं। मैं आपको इसका पूरा सीक्वेंस बताता हूँ, जिससे कि 3 वैल्यू, तो 3 को पहले 6 से कंपेयर किया जाएगा। जब 6 से इसको कंपेयर किया जाता है तो ये पता चलता है कि 3 इज़ लेस देन 6, तो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझको लेफ्ट में ही कहीं इसको एडजस्ट करना है। जब इसके लेफ्ट में एडजस्ट करने के लिए जाता है इस नंबर 3 वैल्यू को, तो ये देखता है कि यहाँ लेफ्ट में ऑलरेडी एक मौजूद है 5, तो 5 को 3 से कंपेयर किया जाता है। अब क्या इसको मिल रहा है कि 3 इज़ लेस देन 5, तो ये कहता है कि 5 के लेफ्ट में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब ये एडजस्ट करने के लिए 3 को लाता है तो यहाँ देखता है कि यहाँ पहले से एक नोड इंसर्ट है। जब नोड इंसर्ट मीन्स इसको इससे कंपेयर करता है, 4 और 3 का कंपेरिजन होता है, तो 3 इज लेस देन 4, तो ये डिसाइड करता है कि 4 के लेफ्ट में जाएगा ये, बिकॉज ये लेस देन है। जब इसके लेफ्ट में देखता है कि कोई भी इंसर्ट नहीं है, तो सिंपली ये 3 को इंसर्ट कर देता है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 7। 7 भी 6 से कंपेयर होता है। जब 7 को 6 से कंपेयर करते हैं तो ये देखता है कि 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये राइट में कहीं जाएगा। जब ये राइट में इसको इंसर्ट करने के लिए आता है, यानी कि इसको एडजस्ट करता है, तो देखता है कि 6 के राइट में ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स हैं। तो सबसे पहला नोड 9 है, तो 9 को कंपेयर करता है 7 से। जब ये कंपेयर करता है तो देखता है कि 7 इज़ लेस देन 9, 7 इज़ लेस देन 9, तो देखता है कि 9, चूँकि अब इस ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 7 इज़ लेस देन 9 है, तो चूँकि कम वैल्यू है इस, ये अपने आप में एक रूट है, तो इस रूट से कम वैल्यू यानी कि ये लेफ्ट में जाएगा। अगर ज़्यादा होता तो राइट में जाता। फिर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, फिर इससे कंपेयर करते हैं, फिर इससे कंपेयर करते हैं, अगर ज़्यादा होता तो। ओके, सो इसके लेफ्ट में आएगा। फिर ये 12 है, 12 कंपेयर कर किया जाएगा 6 से, क्या ग्रेटर देन है या लेस देन है। ग्रेटर देन है तो जाहिर सी बात है ये राइट सब ट्री में लिखा जाएगा। तो राइट सब ट्री में जैसे इसको लिखा जाता है तो ये देखता है कि राइट सब ट्री में ऑलरेडी एक नोड है, सो ये इस राइट सब ट्री से कंपेयर करता है, यानी कि इस नोड से कंपेयर करता है इस 12 को। क्या
9 ग्रेटर देन है 12 से या फिर लेस देन है, ये देखता है कि ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है मीन्स 9 के राइट सब ट्री में ये जाएगा। तो 9 के राइट सब ट्री में जैसे 12 को इंसर्ट करने के लिए हम लोग लाते हैं, ये देखता है कि 9 के सब ट्री राइट सब ट्री में ऑलरेडी एक नोड है, तो ये इसको कंपेयर करता है इस 12 से। तो इसको इससे कंपेयर किया जाता है लेस देन या ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन है फिर से 10 के राइट सब ट्री में जाएगा। तो राइट सब ट्री में जाता है तो लेकिन देखता है कि यहाँ ऑलरेडी राइट सब ट्री में एक नोड इंसर्ट किया हुआ है, तो इसको इससे फिर से कंपेयर किया जाता है। जब इसको इससे कंपेयर करता है तो 11 इज लेस देन और ग्रेटर देन 12, देखता है कि ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है तो ये समझ जाता है कि मुझको मेरे राइट में इसको एडजस्ट करना है इस वैल्यू को। जब ये राइट में एडजस्ट करने के लिए जाता है, देखता है कि यहाँ मेरे राइट में ऑलरेडी पहले से एक 13 वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है। तो अब ये 13 को कंपेयर करता है इस 12 से। जब इसको कंपेयर करता है तो ये देखता है कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये देखता है कि ये लेस देन है, 13 से लेस देन है, यानी कि अपने आप में एक रूट है। तो ये लेस देन है तो हम लोग जानते हैं कि रूट से कम वैल्यू जो होता है वह लेफ्ट साइड में आता है। तो ये सिंपली कम है, 13 से कम है 12, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में इसके इंसर्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा होता यानी कि 14 होता तो राइट में आता है यहाँ, ठीक है। सो कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा कि हर नोड अपने आप में एक रूट नोड होता है। जब ट्रेवल्स करते हैं तब क्रिएट करते हैं, तब इंसर्ट करते हैं, तब डिलीट करते हैं, तब हर हाल में एक नोड जो होता है वो अपने आप में रूट होता है। उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ हम लोग इंसर्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।